वाणिज्यिक शहर तिनसुकिया में आज फिर कोरोना संक्रमण के 229 मामले सामने आए। तिनसुकिया शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या से जिला स्तर पर आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। आज तिनसुकिया जिले में 209 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3157 हो गई है। हालांकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस समय कोविड-19 को लेकर बेहद सतर्क हैं। सामुदायिक संक्रमण रोकने हेतु तिनसुकिया एवं माकुम नगर पालिका क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन भी जारी किया गया है, लेकिन आज आए 229 नए कोरोना मरीजों ने एक बार फिर जिला प्रशासन को नए सिरे से सोचने पर विवश कर दिया है। आज पिछले 24 घंटे में 229 कोरोना मरीजों के सामने आने के बाद कुल संख्या 3595 हो गई है। तिनसुकिया जिले में कोरोना संक्रमितों के लगातार बढ़ते आंकड़े नई चुनौती दे रहे हैं। बिना ट्रेवल हिस्ट्री के मरीजों की पहचान करना बेहद मुश्किल है और इनके चलते सामुदायिक संक्रमण का खतरा भी लगातार बनता जा रहा है। इस प्रकार लगातार बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। लेकिन आज बुधवार का दिन जिला प्रशासन के लिए कुछ खास नहीं रहा और आज कुल 229 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि तिनसुकिया जिले में कोरोना संक्रमण की दर सर्वाधिक है, जो वास्तव में एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। वाणिज्यिक शहर तिनसुकिया में आज फिर कोरोना संक्रमण के 229 मामले सामने आए। तिनसुकिया शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या से जिला स्तर पर आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। आज तिनसुकिया जिले में 209 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3157 हो गई है। हालांकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस समय कोविड-19 को लेकर बेहद सतर्क हैं। सामुदायिक संक्रमण रोकने हेतु तिनसुकिया एवं माकुम नगर पालिका क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन भी जारी किया गया है, लेकिन आज आए 229 नए कोरोना मरीजों ने एक बार फिर जिला प्रशासन को नए सिरे से सोचने पर विवश कर दिया है। आज पिछले 24 घंटे में 229 कोरोना मरीजों के सामने आने के बाद कुल संख्या 3595 हो गई है। तिनसुकिया जिले में कोरोना संक्रमितों के लगातार बढ़ते आंकड़े नई चुनौती दे रहे हैं। बिना ट्रेवल हिस्ट्री के मरीजों की पहचान करना बेहद मुश्किल है और इनके चलते सामुदायिक संक्रमण का खतरा भी लगातार बनता जा रहा है। इस प्रकार लगातार बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। लेकिन आज बुधवार का दिन जिला प्रशासन के लिए कुछ खास नहीं रहा और आज कुल 229 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि तिनसुकिया जिले में कोरोना संक्रमण की दर सर्वाधिक है, जो वास्तव में एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट तिनसुकिया।